अरुण जेटली किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आज हमारे बीच नहीं है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दे। आज उनके नाम से चल रहा अंबेडकर स्टेडियम, जो सुर्खियों का अखाड़ा बना हुआ है, मामला एक मैच के दौरान आईपीएस अफसर श्वेता चौहान का है। नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह, लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। चलिए मैं बात करता हूं दिल्ली पुलिस की। एक आईपीएस अफसर बहुत ही संवेदनशील पद होता है, जिम्मेदारी होती है, इसमें बहुत ही सूझबूझ से काम लिया जाता है, कोई जानबूझकर अपनी नौकरी में कोताही नहीं बरतता। आजकल एक न्यूज सुर्खियों में है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की आईपीएस अफसर श्वेता चौहान, जो अपनी नौकरी को पूरी ही ईमानदारी से निभाने का प्रयास करती रही है, और एक आईपीएस अफसर का कर्तव्य भी होता है कानून बनाना, उसे अंजाम तक पहुंचाना, क्योंकि सब लोग भली भांति जानते हैं कि देश को चलाने में आईएएस और आईपीएस अफसर की अहम भूमिका होती है। समय की सिचुएशन को भांपते हुए तुरंत डिसीजन लेना, आईएएस और आईपीएस अफसर को उनका लोहा मानना चाहिए। लेकिन एक रिश्ता और भी होता है ड्यूटी से अलग, बच्चों की जिम्मेदारी और मोह ममता। हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे की ख्वाहिश उसका दिल रखने के लिए और उसकी खुशी के लिए। मामला फिरोजशाह अरुण जेटली क्रिकेट मैच मैदान का है, जहाँ 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए आईपीएस अफसर श्वेता चौहान व उसके जिला के पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए दिल्ली पुलिस का नाम कर्मठ पुलिस में दर्ज करा रहे हैं। वहीं आईपीएस श्वेता चौहान अपने 7-8 साल के बेटे की ख्वाहिश को देखते हुए क्रिकेट खिलाड़ी को नज़दीक से दिखाती है। इसमें क्रिकेट मैच एसोसिएशन का कहना है ये स्टेडियम रूल के खिलाफ है, अब रूल फॉलो करना, एसोसिएशन पद अधिकारी आईपीएस अधिकारी को समझा रहे हैं। इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है, पुलिस की वर्दी को देख कुछ छपाक टाइप के नेता लोग इशू खड़ा कर रहे हैं, जो इन्हें शोभा नहीं देता। दिल्ली में और भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसमें नेताओं की नेतागिरी चमक सकती है, लेकिन आज पॉलिटिक्स में बोलने वालों का क्या हश्र हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली पुलिस के ऊपर आज बहुत ही आसान है आरोप लगाना, लेकिन लोग क्यों भूल जाते हैं, जब आप आराम से अपने घरों में नींद की सांस लेते हैं, तब यही पुलिसकर्मी आपकी रक्षा करते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब यही पुलिस अधिकारी आपके द्वार जाते हैं आपकी रक्षा करने के लिए। और यहाँ देखिए, पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से पदाधिकारियों से सॉरी जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, वो भी महिला पुलिस अधिकारी पदाधिकारियों को अपने पद की गरिमा समझनी चाहिए। हमारा देश महिला प्रधान देश है, जहां महिलाओं के सम्मान के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है, और यहां तो हमारे देश का गौरव आईपीएस महिला पुलिस अधिकारी है। लेकिन पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से दे कुड नॉट सेलिब्रेट इट इन द सेम स्पिरिट दैट दे वुड डू अर्लियर। इनफैक्ट आज इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि 2 सालों में जो समय पूरी दुनिया ने देखा है, और उसमें जो मेडिकल फ्रेटर्निटी का, और स्पेशली कि नर्सेज आर द बैकबोन ऑफ दिस मेडिकल फ्रेटर्निटी, दे हैव ऑलवेज स्टूड विद आर डॉक्टर्स एंड फॉर द सोसाइटी। दे हैव वर्क इमेंसली टायरलेसली इन द लास्ट 2 ईयर्स, और जो आज हम इस विपदा से बाहर निकले हैं, उसमें जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको एक्नॉलेज करने का दिन है आज। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।